चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन युद्ध का असर दिखना शुरू हो गया है। इस युद्ध के कारण खाद्य तेलों की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त तेजी आई है। एक सप्ताह भीतर फूट कर व थोक में तेल के भाव प्रति लीटर 135 से 155 रुपए तक पहुंच चुके हैं। आगे भी कीमत बढ़ने के आसार हैं। सोयाबीन तेल का भाव भी बढ़ा है, जो सोयाबीन तेल 15 से 20 फरवरी के बीच 135 से 140 रुपये प्रति लीटर थोक के भाव बिक रहा था, आज उसमें 15 से 20 रुपये तक का उछाल आया है। सरसों तेल की कीमत में भी 5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वर्तमान में सर्वाधिक कीमतें सोयाबीन रिफाइंड व पाम ऑयल की बढ़ी हैं। वजह है कि बाहर के देशों से इन तेलों का आयात ना हो रहा है। इसी तरह सोया बड़ी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 20 किलो की बोरी शुक्रवार को 1860 रुपये बिकी है, जो सप्ताह भर पहले 1620 रुपये में रहा था। लंबे समय से स्थित तेल की कीमतें सहारनगंज मंडी के तेल के थोक व्यापारी के अनुसार इस बार लंबे समय से तेल की कीमतें लगभग स्थिर बनी हुई थी। शादी का सीजन होने के बावजूद सोयाबीन तेल के भाव थोक बाजार में 130 से 140 रुपए लीटर बने हुए थे। फरवरी महीने के पहले सप्ताह से ही भाव बढ़ना शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि यूक्रेन संकट ने बाजार को ज़्यादा प्रभावित किया है, यही कारण है कि पाम ऑयल भी महंगा है। अगले कुछ दिनों में त्यौहार के कारण मांग बढ़ेगी, क्योंकि महाशिवरात्रि, होली और अन्य त्यौहार नज़दीक हैं। ऐसे में इस सप्ताह के अंत तक बाज़ार में त्यौहारी खरीदारी शुरू होते ही मांग बढ़ने से भी भाव बढ़ेंगे। होली के बाज़ार पर भी दिखेगा इसका असर, क्योंकि खाद्य तेलों की महंगाई में सप्ताह भीतर आई तेज़ी का असर होली के बाज़ार पर दिखने लगेगा। बाज़ार विशेषज्ञों के अनुसार पकवान के लिए खाद्य तेलों की ज़रूरत होती है। अचानक महंगाई से दुकानदारों के साथ ही आम लोगों की दिक्कत बढ़ेगी और इसका असर होली के कारोबार पे भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।